देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए वाली गारंटी पूरी कर दी है। पीएम मोदी ने तीन पड़ोसी मुल्कों से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिक का हक देने के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। खैर, राजनीति कितनी भी हो, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। जगह जगह कार्यकर्ता नाच गा कर जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी का एक और वादा पूरा करने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। लिखा, मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को सीएए लागू करने के लिए धन्यवाद कहा और लोगों को शुभकामनाएं दी। योगी ने एक्स पर लिखा, पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे इन सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। यूपी में मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सीएए को लेकर सरकार के उठाए गए कदम की सराहना की और कहा, ये तो अच्छा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिमों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग मुस्लिमों को सीएए के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ये तो अच्छा कदम है, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। अब इस बात को लेके विपक्ष या राजनीति करने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, मुसलमानों के दम पर सरकार चलाने वाले लोग, चाहे वो सपा के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, वो भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यूपी बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बधाई दी। कहा, इसका वादा संकल्प पत्र में बीजेपी ने किया था। इस दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी भी भारतीय मूल के नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और पहले तो मैं कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि संकल्प पत्र का जो वादा है वो पूरा किया जा रहा है, इसलिए मैं मोदी जी और विशेष रूप से अमित शाह जी को भी मैं इसका बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ता के रूप में, कि जो लोग इसको, इस कानून के तहत इस लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बातों में ना आए, क्योंकि कोई भी भारतीय मूल का नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, ये स्पष्ट है। ये फैसला चुनाव से ठीक पहले हुआ है, तो चुनाव प्रचार में इसकी गूंज भी जमकर सुनाई देगी। फिलहाल सीएए बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।